Hello dear students, so here we will discuss the applications of total internal reflections. So already we have discussed that if incident angle is greater than the critical angle, then total internal reflections will take place. So that is already we have discussed. Now here we will take the case of prism. So totally reflecting prism designed to bend rays by 90 degree and 180 degree or to invert image without changing its size, make use of total इंटरनल रिफ्लेक्शंस. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ. सो आई विल मेक हियर थ्री डायग्राम्स. सो थ्रू दीज डायग्राम वी विल डिस्कस वन बाई वन. सो लेट अस सी, दिस इज प्रिज्म इज प्लेस इन दिस पोजिशन. ओके, सो दिस इज जस्ट लाइक ए राइट एंगल ट्राइंगल प्रिज्म. सो वेन रेज, दिस इज ए रिफ्रैक्टिंग सर्फेस. वी कैन सी दीज आर द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस. लेट अस, दिस इज ए बी सी. सो दिस एंगल इज प्रिज्म का जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री. सो यू कैन सी दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का, दो एंगल 45 डिग्री है आपके पास. तो जैसे मान लो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं. ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन. दिस इज लेट अस ए, दिस इज बी. वेन रेज, वेन रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग एट दिस सर्फेस, ए सी सर्फेस. ठीक है, यहाँ से नॉर्मली पास की तो वो नॉर्मली चली जाएंगी और वहाँ पे जाके स्ट्राइक कर जाएंगी यहाँ पे इस पोजीशन. और यहाँ से रे जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे दिस एंगल इज़ व्हाट, 45 डिग्री. दिस एंगल इज़ 45 डिग्री. ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हुआ, 45. तो ये बन गया आपके पास 90. और तो ये रे क्या हुई, नीचे की साइड रिफ्लेक्ट हो गई. उसी तरह से इसके बेस से हम रे को जब स्ट्राइक करेंगे, इसके बेस से जब रे को स्ट्राइक करेंगे तो रे विल अगेन इट विल गो स्ट्रेट एंड देन इट विल अगेन बेंड बाई एंगल ऑफ 90 डिग्री. दिस इज 45 डिग्री और ये भी 45, तो ये 90 डिग्री हो गया. आप देखिए ये वाला, दिस वॉज, इसको हम ऐसे ले सकते, दिस इज ए. तो ये आपके पास ए आ गया, दिस इज ए और दिस इज बी. सो दिस इज बी. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज अ इमेज फॉर्म्ड. ये आपके पास जो है इमेज फॉर्म होगी. ठीक है, तो हमने ये वाला फर्स्ट केस कर लिया कि प्रिज्म डिजाइन टू बेंड रेज बाय 90 डिग्री. प्रिज्म डिजाइन टू बेंड रेज बाय 90 डिग्री. अब प्रिज्म है ये पेरिस्कोप में यूज होता है. दिस इज यूज इन पेरिस्कोप. सच टाइप ऑफ, दिस टाइप ऑफ प्रिज्म यूज इन पेरिस्कोप. पेरिस्कोप में ये यूज होता है. आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि व्हाट इज पेरिस्कोप. नाउ वी विल डिस्कस सेकंड केस. सो ये देखिए आप, ये प्रिज्म इस तरीके से रखा हमने अभी. ठीक है, और इस फेस में हम सपोज करिए कि दिस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट दिस इज लेट अस ए, दिस ऑब्जेक्ट इज बी. सो ये रे नॉर्मली पास कर रही है तो यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी. ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी अंदर ही, क्योंकि इंसिडेंट एंगल देखिए यहाँ पे, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो आपके पास 45 डिग्री है और जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज 42 डिग्री ऑफ द प्रिज्म. इसका मतलब क्या हुआ कि वेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. वैन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस. तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है. देखिए आप, दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट और यहाँ से रे इस तरफ को रिफ्लेक्ट होगी. ये आप देख सकते हैं, दिस इज 45 डिग्री. दिस इज 45 मीन्स 45 प्लस 40 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी. और ये आप यहाँ से बाहर की साइड, यहाँ से नॉर्मली बाहर आ जाएंगी रेज. तो ये देखिए अब आपके होगा यहाँ पे. अब दूसरे वाली रे को भी लेंगे, यहाँ से भी 45 प्लस 45 मतलब 180 डिग्री में ये रिफ्लेक्शन हुआ. अब इस रे को देखिए आप, यहाँ से अगेन दिस इज रिफ्लेक्टेड और ये भी देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, ये भी 45 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो ये रे आपके पास यहाँ पे आ गई. इसका मतलब हमारे पास ये जो ऊपर भी ये वाली रे, ये बी है, दिस इज ए. यू कैन सी ये आपके पास इन्वर्टेड इमेज बन गई, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन गई और जो दिस बिकम्स ए इन्वर्टेड इमेज. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम इसको ए बी सी ऐसे नाम दे सकते हैं. दिस इज ए बी सी. सच टाइप ऑफ प्रिज्म आर यूज्ड इन स्मॉल टेलीस्कोप एंड बाइनोकुलर्स. ठीक है, इसमें ये यूज होता है. अब आप तीसरा केस देखेंगे, थर्ड केस. दिस वॉज फर्स्ट केस, दिस वॉज सेकेंड केस. तो यहाँ सब में वही केस यूज़ हो रहा है, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. आपको यही चीज़ एक नोट करनी है इस क्वेश्चन में, यही चीज़ को नोट करनी है कि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो तभी इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस. ठीक है, और तीसरा केस देखिए आप, दिस वॉज द, दिस इज द थर्ड केस. थर्ड केस में हम कह लेंगे कि हम रे को
इन्वर्ट करेंगे एज इट इज़, उसको इन्वर्ट कर देंगे जैसे थी। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप डायग्राम देखिए। जैसे ये देखिए, इस टाइप का थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। अब देखिए, हम तीसरा केस डिस्कस करेंगे। यहाँ से ये देखिए पास की और इधर नीचे ये बेंड कर गई, उसके बाद अगेन इट रिफ्लेक्ट और ये बाहर। यहाँ पे अगर ये बी है तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे, ओके। और उसी तरह से अब ए से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रे आएगी, फिर वो ऊपर जाके स्ट्राइक हो गई और रे ऐसी चली जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, एरो मार्क कर दीजिए। और दिस इज़, अगर ए से आई तो ये हेयर विल राइट ए, तो ए से बी, और ठीक है ये रे जो है इन्वर्ट होगी। अगर आपने यहाँ पे बी लिया तो वहाँ पे आपके पास ए आ गया, यहाँ पर आपने ए लिया तो वहाँ पे आपके पास बी आ गया, मतलब ये ए डैश और बी डैश है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो इन्वर्ट हो चुकी है। तो आपके यहाँ पे ये बाइनोकुलर्स, दिस टाइप ऑफ, सच टाइप ऑफ प्रिज्म आर यूज इन बाइनोकुलर्स। या कहाँ पे यूज़ होते हैं ये बाइनोकुलर्स, ठीक है। इसको हम बाइनोकुलर और इसको इरेक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं, इरेक्टिंग प्रिज्म, इरेक्टिंग प्रिज्म। सो सब में कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ? इंसिडेंट एंगल इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल इज़ कितना है इसका? 45 डिग्री। और आपके पास क्रिटिकल एंगल कितना है? ये इंसिडेंस एंगल है और आपके पास की जो क्रिटिकल एंगल दैट इज़ 42 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। देखिए, क्रिटिकल एंगल आपके पास 42 है, तो इसका मतलब जब ऐसा केस आएगा तो ऑल द रेज विल रिफ्लेक्ट एंड वी विल गेट सच टाइप ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, अब एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं एडवांटेजेस ऑफ, अब इसके एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि प्लेन जो आपके पास प्लेन मिरर के कंपैरिजन में है, ठीक है। सो हियर वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ टोटल, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है, ओवर प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स। तो इसके कंपैरिजन में जो आपके पास एडवांटेज क्या है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का, जो अभी हमने डिस्कस किया प्लेन मिरर्स के, इसमें क्या कंपैरिजन है? तो पहले बात देखिए, आपकी जो प्रिज्म है आपके पास, इन प्रिज्म लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड, इन प्रिज्म लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड, लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड, लाइट इसमें टोटली रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट हो जाती है, लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड, ठीक है। व्हाइल देर इज सम ऑलवेज सम लॉस ऑफ इंटेंसिटी इन रिफ्लेक्टिव, इन प्रिज्म लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड, व्हाइल देर इज अ लॉस ऑफ, व्हाइल देर इज अ लॉस ऑफ इंटेंसिटी इन प्लेन मिरर्स, ठीक है। तो आप ये और दूसरा पॉइंट इसमें डिस्कस करें हम, तो सेकंड पॉइंट में बोल सकते हैं कि द रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिज्म आर परमानेंट, ठीक है, ये परमानेंट प्रॉपर्टी है। और वाइल दे आर अफेक्टेड बाई टार्निशिंग इनको प्लेन मिरर, ठीक है, मीन्स कि आपके पास जो प्रिज्म है उसमें परमानेंट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी है, और लेकिन जो आपके पास मिरर है वो थोड़ा टार्निश हो जाते हैं उसमें, जैसे थोड़े दिनों के बाद वो धुंधलापन उसमें दिखना शुरू हो जाता है। तो प्रिज्म में ऐसा नहीं है, ठीक है, वो टोटली रिफ्लेक्ट करता रहता है इस तरीके। वाइल इन प्रिज्म नो मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड, वाइल इन प्लेन मिरर्स मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट, प्रिज्म डू नॉट रिक्वायर एनी सिल्वर पॉलिशिंग, वाइल प्लेन मिरर रिक्वायर सिल्वर पॉलिशिंग। आप देख सकते हैं कि प्लेन मिरर के बाहर की साइड वो पॉलिश किया होता है, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट द लाइट। लेकिन ये जो प्रिज्म है आपके पास, इसमें कोई ऐसी सिल्वरिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिल्वर कलर नहीं चढ़ाया जाता, मतलब बाहर से पेंट नहीं किया जाता उसमें ताकि वो लाइट रोके, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो ये थी आपके पास 4 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिज्म। तो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अभी, नाउ वी विल डिस्कस ऑप्टिकल फाइबर, ओके, वी विल डिस्कस ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर से दिस हेयर लॉन्ग स्ट्रैंड या क्वार्ड्स सराउंडेड बाय एनी प्लास्टिक कोटिंग या क्लैडिंग उसको बोलते हैं। जैसे ये देखिए, अभी क्वार्ड्स, ये देखो आपके पास ही मैंने ब्रॉडबैंड के कनेक्शन से वहाँ से ये क्वायर ली हुई है, और इसमें देखिए आप ये क्वार्ड्स मान लो इसको, ये ग्लास मान लो इसको, ये स्ट्रैंड है किस्म का, कैपिलरी ट्यूब की तरह है, तो इसको सराउंड किया हुआ है,
एक प्लास्टिक कोटिंग है, इसको देखो बाहर से निकाल के देखता हूँ। ये देखिए, ये बाहर से हार्ड कोटिंग है, इसको क्लैडिंग भी बोलते हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। म्यू टू इज लेस देन म्यू वन, तो इसमें अगर ऐसा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ज़्यादा है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ भी जो है आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज मोर देन दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, जो बाहर आपके पास कोटिंग की हुई है। तो उसकी वजह से यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है और एक एंड से दूसरे एंड में जो लाइट सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। मीन्स वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर। सो आपने ये देख लिया, दिस इज़ द मेन, आपको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप आराम से, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछते हैं कि अगर इसको बेंड कर दें तो क्या होगा, तो भी लाइट के जो पार्टिकल हैं इतने छोटे हैं कि इसके बेंड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, या वायर को ऐसे बेंड करने से कोई नहीं पड़ता। या जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ कि आप अगर वायर को बेंड कर देते तो क्या इलेक्ट्रॉन रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने पाथ में मूव करने से? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो साइज है दैट इज़ वेरी लेस देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द थिन वायर, पतली वायर होगी उसका जो रेडियस होगा उससे भी कम वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाएंगे, मतलब उसके ऊपर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, साइज इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू इसका डिस्कस करेंगे। आप देखिए, आप ऑप्टिकल डायग्राम में मैं दो डायग्राम बनाता हूँ, एक पहले आप देखिए ये जो इसी की डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये देखिए आप ऐसे, ठीक है, ऐसे करके आप, आपके पास ये कोटिंग है बाहर की कोटिंग और अंदर से मैं ये ऐसे करके देखिए आप, ये ऑप्टिकल फाइबर है। तो इसको मैं इसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू वन बोल देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है म्यू वन और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू है, जो आपके पास क्लैडिंग है, इसको हम क्लैडिंग बोल सकते हैं, क्लैडिंग या, ठीक है, जो बाहर से ये वाली जो प्लास्टिक या रबर की जो लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्लैडिंग बोल सकते हैं या बफर कोटिंग बोल सकते हैं, ठीक है, बफर कोटिंग भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर बफर कोटिंग भी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वन है, ठीक है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू टू है। तो म्यू टू इज लेस देन म्यू वन, अभी हमने डिस्कस किया म्यू टू इज लेस देन म्यू वन, तो उससे क्या होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस। अब देखो कैसे इसको समझेंगे, हम एक पाइप बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे, और इसमें देखिए आप, जैसे ही लाइट यहाँ किसी एंगल से एंटर करेगी, ठीक है, क्योंकि जो बाहर कोटिंग है इसका जो, ये देखिए आप, बाहर दूसरे पेन से बना के दिखाता हूँ, रेड पेन से, ये देखिए आप, ये वाली जो कोटिंग है, ठीक है, दोनों साइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये, ठीक है, एक तो ये है कि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये होना चाहिए। दूसरा, म्यू टू इज लेस देन म्यू वन, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, इसका कोटिंग का, जो कोटिंग है आपके पास बाहर, ठीक है, और जो आपके पास अंदर जो फाइबर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू वन है। तो म्यू टू इज लेस देन म्यू वन, दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस, रिफ्लेक्शन ऑफ, और क्या होगा यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही लाइट ऐसी आएगी तो ये अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती चलेगी, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होती चलेगी सरफेस में और लास्ट में जाके ऐसे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एरो मार्क से दिखा सकते हैं, ओके, यू कैन शो दिस, यू कैन शो दिस डायग्राम लाइक दिस। तो दिस वे लाइट इज ट्रांसमिटेड, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह में कैसे ट्रांसफर किया गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज, या जो आपके पास कोटिंग है उसका जो कम है देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्वार्ट्स या जो भी आपके पास अंदर ग्लास है, ग्लास फाइबर बोलो या क्वार्ट्स बोलो, तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा बाहर की कोटिंग से, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। सो दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर, तो वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सो यू कैन सी बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड ए लाइट पाइप। So it is used for medical examination of internal organs like stomach and intestines, and they are used in transmitting and receiving electrical signal in telecommunications.
द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू लाइट बाय सुटेबल ट्रांसड्यूसर्स दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स एंड टू डायमेंशनल पिक्चर्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ फोटोमेट्रिक सेंसर्स दे आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड फ्लो इन द हार्ट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रेक्टोमीटर्स दे आर यूज्ड टू मेजर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड्स So we can say there is no loss of intensity in total internal reflection optical.